हजारीबाग नगर निगम के डिप्टी मेयर सह भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता राजकुमार लाल का बीते देर रात हार्ट अटैक होने से आकस्मिक निधन हो गया। इधर निधन की सूचना पाते ही उनके आवास पर पूर्व केंद्र मंत्री यशवंत सिन्हा, हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, सदर विधायक मनीष जायसवाल, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, बरही विधायक उमा शंकर अकेला, बरकट्टा विधायक अमित यादव, सिमरिया विधायक किशुन दस के साथ विभिन्न राजनीतिक दल के कई नेता व शहर के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। काम के तौर कई दिशा निर्देश आप भी देते रहते थे, बतौर गार्जियन आपको मानते थे, आज कैसा कितना बड़ा क्षति मानते हैं? हजारी बाप का एक क्षति पूर्ति हो ही नहीं सकता। राजकुमार लाल जी सभी वो दल को नहीं देखते थे, वो मानव सेवा की बात करते थे और सभी लोगों को सेवा करने का बात करते थे। और ये अपूर्णीय क्षति है, लगता है कि ऐसे बहुत ही हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हजारी बाप शून्य के जैसा प्रतीत होता है। राजकुमार लाल जी हमारे सर्कल 2-3 घंटा एक साथ हम लोगों ने बिताया। मुनिवर परमान सागर जी के महाराज जी के कार्यक्रम में हम लोगों ने भाग लिया और जब सुबह हुए थे तो व्हाट्सएप पर देखा कि हमारे बीच में मेरे मित्र नहीं रहे। मैं काफ़ी दुखित हूँ। हजारीबाग में अपूर्णीय क्षति है जिसको भरपाई नहीं किया जा सकती। हजारीबाग से बहुत बड़ी क्षति है। हमारे गार्जियन भी थे, हमारे मार्गदर्शक भी थे, पार्टी से ऊपर उठ के सोचते थे और बीजेपी में जरूर थे, हर वो नेता की तारीफ जरूर करते थे जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो या मुख्यमंत्री हो। हमने देखा है इनको अपने आवाज की उत्साह दिल और छवि के थे। मुझे बहुत आहत हुई है और अभी हाल फिलहाल में ही उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ, वो बोल रहे थे कि तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, और भी दिशा निर्देश दिया जा रहा था उनके द्वारा। मुझे बहुत ही ये सदमा ही है एक तरह से वहाँ के लोगों के लिए, अचानक से उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी जान चली गई। हजारीबाग को आज बहुत बड़ा धक्का लगा, भारतीय जनता पार्टी परिवार को भी बहुत आज दुखद खबर मिली कि हम सबके मित्र भाई श्री राजकुमार लाल जी का देहांत हुआ है। अभी हम वहां जा रहे हैं और इस समय सब हम लोग बहुत ही दुखी हैं कि इस तरीके से उनका एकदम इस जाना हुआ है, और अभी जाकर हम लोग सब लोग अपनी वहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संगठन कैसे चलाना चाहिए, ये सब विषय मुझे अगर प्रारंभिक शिक्षण प्राप्त हुआ तो उन्हीं से प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से बहुत ही मर्माहत है। हम लोग पंचायत को आज सुबह सुबह जब हम लोगों ने व्हाट्सएप में मिली के साथ तो मतलब विश्वास करने योग्य नहीं था, लेकिन ये पता नहीं इनके साथ जितनी कम उम्र में, चूँकि अभी काफ़ी उनको और राजनीति करना था, लेकिन दुर्भाग्य हम लोग के बीच से आज में चले गए। तो निश्चित रूप से इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को शक्ति मिले, हम लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। और हजारीबाग जिले के लिए हम लोगों के लिए एक हम लोगों ने एक गार्जियन खोया है, एक अच्छे राजनीतिक खोया है। स्वदेश वाणी।